चलू किसान भाई बहन मने, अब हमरे मन आगे बढ़ब और जानब कि खरीफ फसल कर अंतर्गत कौन कौन फसल के राखल जाए है। धान्य फसल कर भीतरे कौन कौन फसल है और सब फसल कर उत्पादन कर उन्नत कृषि प्रणाली का नियर है भाई, इके देखब। तो एक एक करके देखे है, सबसे आगे हमरे मन देखब धान कर बारे में। तो धान कर बहुत सारा उन्नत प्रभेद है, उन्नत किस्म है, जेके रोरे मन अपन खेत में लगाए के पैदावार के बढ़ा सकिल, उपजा के बढ़ा सकिल, लाभ मिल सकिल। तो चलू धान कर उन्नत किस्म भूई कर हिसाब से देखब हमरे मन। पहला है टाड़ भूई में, माने कि ऊंच भूई में हमरे मन कौन कौन धान कर उन्नत प्रभेद के प्रयोग करब, उन्नत किस्म कर प्रयोग करब और उकर उपजा के बढ़ाब। चलू किसान भाई बहन मने, अब हमरे मन जानब कि ऊंच भूई में या कि टाड़ भूई में हमरे मन कौन कौन उन्नत किस्म कर प्रयोग करब। पहला है बिरसा धान 108, दूसरा है बिरसा किसान धान 109, तीसरा है बिरसा विकास धान 110 वंदना, चौथा है वंदना। दूसरा है मध्यम भूइले या कि दोन तीन और दोन दू में कौन कौन उन्नत किस्म कर प्रयोग करल जाए। पहला है सहभागी, दूसरा है IR36, तीसरा है ललाट, चौथा आहे नवीन, पांचवा आहे BR10, छठा आहे सुगंधा, सातवां आहे बिरसामती, आठवां आहे पोएग्रो, चार। नीच भूई में या कि दोन एक में कैसन कैसन उन्नत प्रभेद कर प्रयोग करल जाए। पहला है राजश्री, दूसरा है स्वर्णा MTU 7029, तीसरा है संभा सहसुरी BPT 5024। चलो अब हमरे मन जानब कि उर्वरक कर प्रयोग कैसन करल जाए और उपजा के कैसे बढ़ाल जाए। पहला है बिहीन लगायक ठाव में 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बिहीन लगायक कर ठाव दर में ई नियर माइंड के मिसाए देवें। क आहे 1 किलो नेत्रजन, 1 किलो स्फूर, 1 किलो पोटास डालेक चाहिए। ख आहे बिहीन लगाए कर 15 से 20 दिनक पाछे 1 किलो नेत्रजन से बीड़ा मनक उपरिवेशन करें। बिहीन कर दर 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर सोझे सोझ बुने चाहिए। 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टर में बुन देवें। अब हमरे मन देखब कि नेत्रजन कर प्रयोग धान कर खेती लगिन कैसन करल जाए। अगायत प्रभेद सोझे सोच बुनेक, नेत्रजन कर प्रयोग बुनेक बेरा 50% करेक चाहिए। बिहीन लगाए कर 30 से 35 दिन कर बादे 25% प्रयोग करेक चाहिए। फिन 25% के 40 से 50 दिन कर बादे करेक बेस रहेल, या कि 50% कर प्रयोग निकौनी करल पाछे 15 से 20 दिनक बादे करेक चाहिए। 25% बुने कर 30 से 35 दिन कर बादे करेक चाहिए और 40 से 45 दिन कर बादे 25% के बुने चाहिए। प्रभेद रोपनी का लखे है, रोपनी कर आगे 50% नेत्रजन कर प्रयोग करेक चाहिए। रोपनी कर 2-3 हफ्ता बाद 25% नेत्रजन कर प्रयोग बेस रहेल और 25% के रोपनी करल कर 6 हफ्ता बादे करेक चाहिए। बीच कर या कि मध्यम प्रभेद रोपनी 50% नेत्रजन कर प्रयोग रोपनी से आगे कर लेक चाहिए। 25% के रोपनी कर 3 हफ्ता बाद करेक बेस रहेल और 25% रोपनी कर 6 हफ्ता बादे करेक चाहिए। पिछात प्रभेद रोपनी, पिछात प्रभेद में नेत्रजन कर प्रयोग 50% रोपनी से पहले करेक चाहिए, 25% रोपनी कर 3-4 हफ्ता बादे करेक चाहिए और बाकी 23% के रोपनी कर 7-8 हफ्ता बाद करेक चाहिए। रोपे कर आखिरी बेरा कर आगे है माइंड डाइल के खेत कर तैयारी करें। खड़ी फसल में नेत्रजन कर प्रयोग करे कर आगे है खेत कर खरपतवार मन के निस्काय देख चाहिए और यदि पानी कर जमाव खेत में बगरा दिसे तो उखो निस्कायक उपाय करेक चाहिए।
चलू भाई, तो अब हमरे मन देखब कि पौधा मनक देखभाल कैसन करल जाए। किसान भाई बहन मने रोरे मन देखो अब कि पौधा मन में कै धाव पिलवा मन दिसेल, तो पिलवा मन पौधा मन में लाग गेले उगे खराब कर देन, उकर से उपजा घटेल। पिलवा कर प्रबंधन का लखे करल जाए, कौन पिलवा कर दवाई का लखे करल जाए, इस सब के हमरे मन जानब। तो चलू पिलवा कर प्रबंधन देखब। पहिल पिलवा है साढ़ा पिलवा। ई पिलवा धान जे जगह से बाढ़ेल सेहे जगह से घुस के खायल, जेकर चलते बाढ़े बिंदु प्याज कर पतई नियर फोक्सा नली नियर बैठ जाएल। पिलवा लागल भाग में बाइल नी निस्केल। अब भाई पिलवा लाइगे तो कर रोकथाम भी करे है, तो रोकथाम करे का लखे है सके जानब। पहला है पिलवा कर रोकथाम करेक में अवरोधी प्रभेद जैसे IR36 ललाट नवीन कर प्रयोग करें। दूसरा है 10 से 12 दिन कर मध्य में दानेदार पिलवा नाश करैया जैसे कर्वोफ्यूरॉन 3G कर 300 ग्राम या कि कोरेट 10G कर 1000 ग्राम प्रति 100 वर्ग मीटर कर दर से नर्सरी में पसराय देख चाहिए। तीसरा है दानेदार पिलवानासी जैसे कार्बोफ्यूरॉन 3G या कि 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर या कि फोरेट 10G 10 किलोग्राम प्रति हेक्टर या फिप्रोनिल 0.3G 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर कर प्रयोग रोपनी करे कर 3 हफ्ता बाद करे चाहिए। दूसर पिलवा है डांटी के टोका करे या पिलवा। भाई ई पिलवा कर जे छुआ पिलवा रहेल उ पौधा मन कर डांटी में टोका करके भीतरे कर भाग के खाए देल। इकर चलते बीच कर जे पतई रहेल से सूख जाएल, सूखल पतई मन के खिंचले सहजे खिंचाए जाएल। इके डेड हार्ट या कि मृत केंद्र कहें। बाइल निस्के बेरा जदि पिलवा लाइक जाएल तो गोटेक बाइल सूख जाएल, जेके वाइट ईयर डेड कहें। पिलवा लाइक है तो उकर रोकथाम करेक है। रोकथाम कैसे करल जाए? पहला है साढ़ा पिलवा कर रोकथाम करेक लगिन जे दानेदार पिलवा नाश करैया दवाई देल जाए रहे ओहे दवाई डांटी टोका करैया पिलवा कर नाश कर देल। दूसरा है जैसन जरूरत रहे उसने है 35 दिनक बादे मोनोक्रोटोफॉस 36EC 1.0 लीटर प्रति हेक्टर कर छिड़काव करेक चाहिए। तीसर पिलवा है पतई खायक वाला पिलवा, उके बकिया कीट भी कहना। ई पिलवा जदि धान कर पतई में लाइक जाए तो धान कर पतई चरका हो जाए। दूर से देखले धान कर फसिल चरका दिसेल, इकर रोकथाम का लखे करू भाई। ई बीमारी लगिन धान में क्लोरोपाइरीफॉस या कि क्लिनालफॉस तरल 1.0 लीटर प्रति हेक्टर कर छिड़काव करेक बेस रही। चौथा पिलवा है रस चूसेक वाला पिलवा। ई पिलवा भूरा मधुआ पतई मनक रस के चूस के नुकसान करें। भूरा मधुआ धान कर डांटी कर रस के चूसेल, इकर चलते पौधा मनक बाढ़ेक रुक जाएल, धान कर पतई मन सूख जाएल, इकर क्षति गोल नियर दिसेल। अब इकर रोकथाम का लखे करू भाई। किनोलफॉस 1.5% धुरा कर प्रयोग 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर कर प्रयोग करें। भाई इतना इतना बीमारी अगर हो जाए तो भाई हमरे कर खेती बाड़ी कैसे चली? तो इकर रोकथाम करू, पिलवा ना लागे देव और अपन धान कर पैदावार के बढ़ाओ। चलू कखनो कखनो पिलवा तो लागत है, पिलवा कर उपाय करत ही हमरे, कखनो कखनो भाई इकर में बीमारियों हो जाए, तो बीमारियों के दूर करे चाहिए। तो बीमारी का है और उकर रोकथाम का लखे करब हमरे मन से के जानब। पहल बीमारी है झुलसा बीमारी,
या कि ब्लास्ट बीमारी। पतैमन में लगभग 1 सेंटीमीटर चौड़ा नावनियर भूरा धब्बा दिसेल। ईमन कर मधे में राख रंगक हो जाएल और उकर डायर में गाढ़ा भूरा रंगक पातर पट्टी भेटायल। बाइल कर हेठे बटक डांटी में भूरा करिया चकता दिसेल। करिया भाग कर धान बाइल टूट जाएल। अब इकर रोकथाम करेक दरकार आहे भाई। इकर रोकथाम करेक लागिन पहिल दवाई आहे कार्बेंडाजिम या कि ट्राइसाइक्लाजोल बीम 2 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बिहिन कर दर से बिहिन कर दवाई करेक चाही। दोसर आहे कार्बेंडाजिम 230 ग्राम उकर संगे इंडोफिल एम 43 या बीम या कार्बेंडाजिम 230 ग्राम पानी में मिसाए के 10 से 15 दिन कर भीतरे छिड़के चाही। दूसर बीमारियां है पत्र लांछन या भूरा चकता बीमारी। पतैमन और दानामन में छोटे छोटे भूरा रंगक अंडानियर चकता बन जाएल। मधे कर भाग धूसर रंगक हो जाएल। इकर रोकथाम ई नियर करेक चाही। बिहिन कर दवाई झुलसा नियर करेक चाही। 2.5 ग्राम डायथेन जेड 78 या कवच 0.2% प्रति लीटर पानी में मिसा कर के छिड़के चाही। बीमारी कर रोकथाम करेक वाला प्रभेद लगाक चाही। तीसर बीमारी है जीवाणु पर्ण अंगमारी। ई बीमारी पियर या पोरा रंगक लहरदार चकता पतई कर या दुयो ओरले शुरू होए के हेटे बटे बाढ़ेल। क्षतिस्थल पतैमन नस कर समानांतर छोटे होएल। बाद में ई लंबाई और चौड़ाई दुयो में बाढ़ेल और पतैमन सूख जाएल। इकर रोकथाम लगिन 6 घंटा तक बिहिन के स्ट्रेप्टोशाइकिनल 100 ppm में भिंजाए के रखें। उकर बादे तप्त जल उपचार 51 डिग्री सेंटीग्रेड पहे 15 मिनट तक करें। बीमारी वाला खेत कर पानी के दूसर खेत में नी उतरक चाहिए। चौथा बीमारिया है जीवाणु पर्ण रेखा। ई बीमारी में पियर या नारंगी कथा नियर रंग कर धाइर सिरामन में घेराल भेटायल। बगरा घाइट संगे मेस के बड़का चकता कर रूप ले लेल। जेकर चलते पतैमन बेरा कर आगे है सूख जाएल। कर रोकथाम लगिन जे दवाई जीवाणु अंगमारी में करल जाए रहे उसने ही करेक चाहिए। पांचवा बीमारी है धड़ सड़न। ई रोग कर लक्षण डांटी और पर्ण छेदन में पानी कर सतह बटे करिया भूरा रंगक चकता कर रूप में दिसेल। जे कतना सेंटीमीटर हेठे और ऊपरे बटे पसरल रहेल और गोटेक डांटी के घेर लेल। बाइल निस्केल बेरा सब कमजोर ढांटी गिर जाएल। जेकर से बाइल कर आधा से अधिका दाना खालिए रह जाएल। इकर रोकथाम कैसे करल जाए देखा थी। बिहिन के कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बिहिन कर दर से दवाई करेक चाहिए। इके इंडोफिल एम 45 के 100 लीटर पानी में मिसा कर के प्रति हेक्टर कर दर से छिड़काव कर देवें। छठा बीमारिया है आमासी कंड। इके कहना फॉल्स स्मट। बीमार दाना कर भितरे कवक अंडाशय के एक बड़ कूट रूपे बदल देल। पहल पियर रंग से लेकर संतरा रंग कर और बाद में जैतूनी हरियर हो जाएल। बीमार दाना आकार में धान फर दाना से दुगना बड़ हो जाएल और मखमल नियर दिसेल। इकर रोकथाम कैसे करी। बाइल निस्केल उकर से पहले है टिल्ट 0.1% या कार्बेंडाजिम 500 ग्राम या ब्लाइटॉक्स 50 200 ग्राम कर प्रयोग करेक चाहिए। अब ई तो होलक बीमारी कर नाव बीमारी कर चिन्ह और उके रोकथाम कैसे करे। अब देखा थी कि खेत मन में जे खर पतवार हो जाए
उकरो रोकथाम करे दरकार आहे, तो उकर रोकथाम हमरे मन कैसे करब। सोझे सोच बुने कर स्थिति में ब्यूटा कलोर 50 EC या बेंथियो लार्ब 50 EC 2 लीटर प्रति हेक्टर कर दर से बुन के 1-2 दिन कर बादे 2 लीटर दवाई के 800 लीटर पानी में मिसाए के स्प्रेयर से छिड़क देवें। रोपनी वाला खेत में अनिलोफॉस 3C 4 लीटर प्रति हेक्टर या ऑक्सीफ्लोरफेनग 200 ग्राम प्रति हेक्टर या ब्यूटाक्लोर 50 EC 2 लीटर प्रति हेक्टर रोपे कर 5 से 7 दिन कर बादे फिन छिड़काव करें। छिड़के बेरा खेत में 5 लीटर से अधिका पानी नी रहक चाहिए। सो बीमारी मनक रोकथाम करल बादे रोरे कर खेत तो हरियर हरियर दिसी, फसल तो बहुत बढ़िया होई, तो फसल होल पाछे उकर कटनी और भंडारण करेक है। तो भाई कटनी कखन करल जाए और भंडारण कैसे करल जाए। बेस से पाकल पाछे है फसल के कटनी करें, माने कि जखन रोरे कर धान कर फसल पाइक जाए तखने काटेक चाहिए। धान के बेस नियर सुखाए के 10 से 12% नमी रहल से भंडार में राख देवें और उके सुरक्षित कर देवें। चलो भाई धान कर खेती तो होलक, अब हमरे मन आगे बढ़ब और खरीफ फसल में धान्य कर अंतर्गत कौन फसल के रखल जाए सिके जानब।